und am Abend nehme ich auch Nachhilfe. For example, na? थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोलना है, क्योंकि केवल A1 में हम लोग एक वर्ड में एक सेंटेंस में बोल के फ्री होते थे. नाउ इट इज A2, तो ऐसा फील आना चाहिए सामने वाले को कि ये खुल के बोलने की कोशिश कर रहा है. इस बिन लेरेविन इस उन्टरिस्ट है मैथमेटिक आन आइनर शूल है उन्ट आम आबेंट ने मई शाउख ना खिल्फ है. शाम को ट्यूशन भी लेती हूँ मैं भी. आन आइनर शूल है जो हाटेर आउक गुट की जात इस आरबाइटा आल्स प्रोजेक्ट मैनेजर बाय आइनर ग्रोस एंड फिर्मा. एंड देन यू कैन ऑल्सो से समथिंग एक्स्ट्रा व्हाट योर कंपनी डू ऑल्दो इट इज नॉट आस्क बट प्रोफेशन पूछा है तो आप इसके साथ ये भी कह सकते हो कि इस आरबाइटा आल्स प्रोजेक्ट मैनेजर बाय आइनर ग्रोस एंड फिर्मा. स्मूथ फील है टेलीफोन अनरूफ है अननेमन und jeden Tag also mit Kunden reden, E-Mail schreiben. Ich arbeite am Computer. So, this is extra information although. But your effort dikhna jaruri hai. Yeah. Maybe sir, ich arbeite morgen täglich von 8 Uhr bis 16 Uhr. Ja, von 8 Uhr bis 16 Uhr. Das kann man auch noch sagen. Und jemand ist noch Student. Kann man auch sagen, ich arbeite nicht, ich bin noch Student und ich lerne Deutsch. Und ich hoffe, bald bekomme ich einen Job. I hope soon I will get a job. तो पूछा तो ये था कि आप क्या करते हो प्रोफेशनली. आपने बोला मैं तो स्टूडेंट हूँ, जर्मन सीख रहा हूँ, जल्दी जॉब लगेगी मेरी. सो समथिंग एक्स्ट्रा यू आर सपोज टू से. वन सेंटेंस विद वारूम. थेमा इज बेरूफ. वन सेंटेंस वारूम. Warum? Warum arbeitet sie zu Hause? Warum arbeiten sie? Arbeiten sie zu Hause? Okay. Warum arbeiten sie zu Hause? आप घर काम क्यों करते हो? यही बोलना चाह रहे हो? घर से काम क्या करते हैं? हाँ, then you will say फोन सु हाउज़े. वारूम आर्बाइटन जी फोन सु हाउज़े. फिक्स एक्सप्रेशन घर से ही काम क्यों करते हो? या आंसर वारूम वारूम आर्बाइटे फियर आम ओखनांडे. वारूम आर्बाइटे फियर आम ओखनांडे. व्हाई डू यू वर्क सो मच ऑन वीकेंड्स? Warum arbeitest du am arbeitest du so viel am Wochenende? Why you work so much on weekend? Sophie, wo kann der? Warum? Ich arbeite auf ich arbeite feel our game. Ich mag meine Arbeit
ich will viel Geld verdienen. Dann kann ich ein Auto kaufen. Manchmal muss ich auch am Wochenende arbeiten. So, ich arbeite viel und gerne. Und gerne भी बोल सकते हैं, aber gerne means I work a lot but happily. Ich mag meine Arbeit. I like my job, my work. Ich will viel Geld verdienen. I want to earn lot of money. Dann kann ich ein Auto kaufen. Then I can purchase a car. Manchmal muss ich auch am Wochenende arbeiten. Sometimes I have to work also on the weekends. So, जब भी ऐसा कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चन आए, आपको ट्राई करना है एक सेंटेंस से तो ज्यादा ही बोलना है. सो दैट पीपल विल सी द डिफरेंस. आई नॉट ए वन, ही इज ए टू और सी इज ए टू. सपोज हियर टॉपिक इज फैमिलियर, फैमिली. या कल मैं एक दूसरा पार्ट लूंगा, आज ये वाला पार्ट ले रहा हूं. फैमिलियर मीन्स फैमिली. So I need a fragen. Where fragen bitte. Thema ist Familie. How many members are there in your family? कैसे बोलेंगे? Wie viele? Mitglieder gibt es da in ihrer Familie or in deiner Familie. Jind is also okay, no problem. Answer. Es gibt drei Mitglieder in meiner Familie. Aisha war vier Mitglieder in meiner Familie. Es gibt vier Mitglieder in meiner Familie. Meine Mann. तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पहले आप ये भी कह सकते हो माइनर फैमिली इज क्लाइन. माइनर फैमिली इज क्लाइन, वी आर फोर मेंबर्स. वी कैन डिस्क्राइब माइनर फैमिली. शहाबा से नहीं बन सकता? या शहाबा फियर मिड ग्लेड है. इस हाबे की बजाय बोलो वी आर जिन. वी आर escape fear mitglieder in minor family. In minor family. Mein Mann, Sohn. Familie, mein Mann. Mein Mann. Meine zwei Kinder. Und ich. So, एक तो ये हो सकता है कि माइनर फैमिली इज क्लाइन एस्केप फियर मिड लीडर इन माइनर फैमिली है माइन मन माइनस वाई खेंडा उन्ट इश.
और आपको अगला अगला क्वेश्चन नहीं पूछे इस बीच में, अगर पोज आ रहा है तो और कुछ बोल सको तो बोल सकते हो, इज इनफ इफ यू से माइन मान आर्बाइटेड बाई आइनर फिरमा इस बिन हाउस फ्राउ माइन किंडर गेन शोर शूल है, ऐसे भी अगर मौका मिलता है तो बोल सकते हो, अदरवाइज इज इनफ सर। इसके बीच में मतलब अगर हमको जैसे हमने इतना तो बता दिया, उसके बाद हम प्रोफेशन भी बता सकते हैं कि क्या करते हैं, इतना इनफ है, आप चाहो तो बता सकते हो, डिपेंड करता है कि एग्जाम में आपसे और कुछ पूछा गया नहीं पूछा गया, बट इट इज इनफ, इट्स इनफ बिकॉज A1 में एक वर्ड में या एक सेंटेंस में जवाब देते थे, अब हम दो तीन सेंटेंस बोलने की कोशिश करते हैं, दिस एफर्ट शुड बी विजिबल कि हाँ ये फर्क दिखना चाहिए बस। वन मोर क्वेश्चन, वो वोन डाइने फैमिली सर, इसमें से किसी एक पर ही क्वेश्चन पूछना रहता है या सभी पे? दो दो क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे आपको, दो क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, कोई भी टॉपिक मिलेगा आपको दो क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, फिर आपके जो कलीग है उसको एक टॉपिक मिलेगा, वो आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा। ओके हियर वो वोन डाइने फैमिली है, फॉर एग्जाम्पल वो वॉन्ट डाइन फैमिली है, डाइन फैमिली है वेर योर फैमिली लिव, वेर डज लिव योर, वेर डज योर फैमिली वॉन्ट डाइन फैमिली है, आंसर माइन फैमिली आर ओन्ड इन चेन्नई इस anybody else? Just try. We are wohnen in Peterborough. Seit fünf Jahren. Meine Familie und in Patna und ich ich wohne in Ishona by Familia. Wo? Okay. Klar. So. Wir wohnen ja für meine Familie und in Jaipur. Also das heißt ich meine Frau und meine Kinder, aber meine Eltern wohnen in also auf dem Land. Ja, in einem Dorf. Dorf. Weit weg von uns. Von uns. Ja. Klar. Kab se rehte hain, wo bhi bol sakte hain aap. Meine Familie wohnt in Jaipur. Ja, wir wohnen seit 6 Jahren in Jaipur. Meine Kinder, meine Frau und ich. Aber meine Eltern wohnen jetzt auf dem Land. Sie wohnen weit weg von uns. They live far away from us. Früher haben sie auch mit uns zusammen gewohnt. ऐसे बोल सकते हैं, पहले वो भी साथ ही रहते थे. Moment.
प्रैक्टिस करनी है। आपको हिंट इसीलिए दिया है मैंने कि ऐसे प्रैक्टिस कर करके आपको तैयारी करनी है, बिकॉज एग्जाम में लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं होता, अभी से थोड़ा थोड़ा ट्राई करनी पड़ेगी, घबराहट दूर करनी है। मोमेंट कमाल, इसका अब नो खेतवास आएगी इंग्लिश मोमेंट। Yeah. Sometimes this is second. So expression. अभी दिखाया वो, और उसकी जगह कभी कभी ये भी आता है. There are three parts. Part one, part two, part three. अभी जो आपको बताया वो आ जाता है कभी तो part two, and कभी कभी ये आ जाता है part two. A two में ही. प्रश्न टाइल स्वाई फोन जी शर्त सीलन वस माखन जी इम रेस्टोरेंट। फर्स्ट पार्ट जनरली योर इंट्रोडक्शन, इन सेकेंड पार्ट समटाइम्स देर इज ए क्वेश्चन जो अभी दिखाया मैंने, एंड समटाइम्स देर इज मोनोलॉग। मोनोलॉग मीन्स यू विल से समथिंग एंड नोबडी विल रिप्लाई मे बी, and for you the question is was Makhanji im restaurant, and there are some points given, you have to touch all these points. Phone ji shart seelan, this is means latest, abhi recently kuch Goethe institutes mein is tarike se kiya inhone. So asan und gitrin ke bestellen rishnu स्पाइजे कार्ट इज मेन्यू जिश उंटरहाल्टन टू टॉक गपशप। सो वस माखन जी इम रेस्टोरेंट, सिर्फ क्वेश्चन पूछने होते हैं, ये आ गया तो बस आपको जवाब देना है। यू विल गेट ए स्लिप, दिस इज द स्लिप सपोज। वस माखन जी इम रेस्टोरेंट, इस व्यस्त चलक का को या इस ग्याम आमोकन एंडे रेस्टोरेंट। कह सकते हैं कि आम आवेंट गए इस नॉर्मल भाई जे सुम रेस्टोरेंट ऑर्डर इस बेजुक है आइनमाल डेर वॉक है वंस इन ए वीक। तो हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वीर लेजन या वीर जेहन, वीर या वीर जेहन और फ्रॉम वीर से काट है प्लीज पाइस काट है पाइस काट है उन द वीर द स्टेल वीर स्टेलन बिस्टेलन वीर काट एस वीर एसन एसन उन गेट ट्रंक वीर बिस्टेलन एसन उन गेट ट्रंक है। एंड हियर यू कैन आल्सो से माय फेवरेट, जनरली आई ऑर्डर Mine lieblings Asian is mine lieblings Asian is biryani. Salad. Okay. Met broth.
मिडफिश सनशाइन सर इसमें से सभी पे क्वेश्चन आंसर देने रहेंगे किसी एक पे यस क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा आपसे पहला सिचुएशन था उसमें तो कोई क्वेश्चन पूछता है और आप जवाब देते हो बट सपोज इफ दिस इज द केस देन इट इज मोनोलॉग आपको बस शुरू में एक क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया नहीं पूछा तो आपके पास ही है ऑलरेडी इट इज देयर सो यू कैन से मंथीमा इज रेस्टोरेंट अजो बस माखन जी इन रेस्टोरेंट इस के आई माल इन देयर वर्क है ऑर्डर अबंड्स गे है इस ब्राउसन एंड एस है मिट माइनन फ्रॉइंडन वी बी जू कैन मंस माल आई रेस्टोरेंट Neben bei und bestellen wir sehen Speisekarte und bestellen etwas Gutes. Ich bestelle normalerweise Salat mit Fisch. Das ist mein Lieblingsessen. Und dazu noch ein Getränk. Vielleicht Coca-Cola oder manchmal Saft. Mango-Saft gefällt mir sehr. So now you have taken this point. You have taken also this point. Then सीक्वेंस में जी शूल्डर हाल्टन मीन्स गपशप करना बातें करते हैं मिट माइनन फ्रॉइंडन उंटर हाल्टन इश मिश जेर गैरन वी आर स्प्रेशन यूबर दी वेट वी स्प्रेशन यूबर दी आर बाइट उंट अल्टाक्स थीमन दस मार्क्स पास वी आर फरब्रिंगन आजो आई स्टूंड मंथ माल फुन फुन फियर सिक्स मिनट एंड सुजामन इम रेस्टोरेंट Am Ende bezahlen wir die Rechnung und kommen nach Hause. Manchmal ist das sehr teuer. Rechnung ist Bill. So, suppose this is the case. यहाँ पे ऊपर आपने देखा हो तो लिखा हुआ है Pierton February 2005. जो पैटर्न है ये नया पैटर्न है गोथ इंस्टीट्यूट में कहीं कहीं पे इस तरीके से भी पूछा गया है सो वी हैव केयरफुल काइंड प्रॉब्लम व्हेन यू आस्क जो बस के फैक्ट विल बी नाउ राइट और इसमें भी एक वर्ड दे रखा है लेकिन हम मल्टीपल सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे नहीं बस इस बेस्टल है आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि रेस्टोरेंट है फॉर एग्जांपल वी हैव बिटसालन आइगेंटलिश फ्यूरजिश अलग क्रेडिट कार्ड Wir bezahlen mit Kreditkarte. Mein Freund bezahlt manchmal für mich. Das ist auch okay. Manchmal bezahle ich für ihn oder sie. Ja? So, be ready. You are telling yourself. Von sich erzählen about yourself. This is the topic. But beech beech mein koi question nahi puchega. Ye aapko card de diya. It means you are supposed to Say things in sequence. Sequence का भी ध्यान रखना है That would be better. Restaurant में गए सबसे पहले मेन्यू उसके बाद में कुछ ऑर्डर किया गपशप की बातचीत की लास्ट में बिल तो आपको जो भी वर्ड ये स्पाइस कार्ट है रेस्टोरेंट आपकी बुक में से ही होगा बट हो सकता है आपने उसको ढंग से देखा ही नहीं So you have to note down each and every word from the book. Okay, we'll see one more. सर ये स्पॉन्टान बोलना होता है कि ये इसको लिखने के लिए टाइम देते हैं वो लोग ये स्पॉन्टेनियस दो पांच मिनट का आपको सोचने का टाइम मिल जाता है जनरली और नोट्स बना के लिखना हो तो वो भी आपको पूरे पूरे सेंटेंस नहीं लिखने हैं आपको पेपर दिया जाएगा बट यू शुड नॉट राइट कंप्लीट सेंटेंसेस बिकॉज बोलने के बाद में वो पेपर वहीं छोड़ के आना है और टीचर देखता अच्छा पूरा ही लिख लिया था पहले से सो दैट गिव्स बैड इंप्रेशन यू कैन राइट वर्ड्स बट नॉट एवरीथिंग यू शुड नॉट राइट एवरीथिंग सो फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग वन मोर टाइल्स वाई अगेन Was machen Sie, wenn Sie zur Party eingeladen sind? What you do when you are invited in a party? Zur Party Was eingeladen sind. Clothes. Ich brauche neue dress. सारे चीजें एक बार देखो. Ich wähle
क्या क्या पॉइंट्स हैं एक बार इसमें पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। ड्रैगन में या वेट करो एक बार पॉइंट्स देखो। क्लाइडून का मतलब है क्लॉथ्स। बिशाइड गेबन, बिशाइड गेबन मींस टू अपडेट। जागन, बिशाइड गेबन इज जागन। फोटोज माखन एटवासुम एसन उंड ट्रिंकन मिट नेमन। कि जब पार्टी को इनवाइट करता है तो मैं साथ में लेके ही जाता हूँ खाना पीना, फोटो लेता हूँ। लेते हो कि नहीं लेते हो, साथ में लेके जाते हो कि नहीं जाते हो? बिशाइड गेबन अगले को बताते हो कि नहीं कि मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा? और क्लाइडून का क्या करते हो? करते हो क्या करते हो? ऐसे एक एक करके ट्राई करो। कौन करेगा पहले? वन बाई वन मे बी। ओके, कल्पना देन रोशन एंड देन अदर्स आल्सो। या कल्पना, इश ब्राउ के नोए ड्रेस क्लाइडून, सॉरी इश ब्राउ के नोए क्लाइडून फिराइन पार्टी एंड इट वाज अमेजिंग ड्रिंकिंग विद नेवन नाइन। आई मीन मुझे इसको आंसर के जैसे बोलना है सर। आपको सीक्वेंस में लेने की कोशिश करना है कि आप पार्टी में जाते हो, आपको इनवाइट किया जाता है, तो आप कैसे क्या करते हो? दीज आर द पॉइंट्स। यस यस, ट्राई वन बाय वन एंड देन रोशन इज द सेकंड पर्सन। हाँ रोशन, यू गो अहेड। मे बी रोशन यू ट्राई। मैं डिस्प्ले सो नहीं कर रहा। बस डिस्प्ले सो नहीं आ रहा। So, shall I try? Yeah, please. Siddharth, then Veena. Ish kao pe noe klaidu, your tea party. Dan ish ish chike ainen brief. Uber Ishkome Nandan party Manishmal Kaufe Ish that was zum Essen und Trinken to mitnehmen. Okay. Ish auch make viele photos für die party. Okay. नेक्स्ट वीना सर, इसको कैसे बोलेंगे? आई फर्स्टली आई कम फ्रॉम गोइंग। इश रूफे माइना फ्रेंड उनसाग दस कॉमे इश प्योर दी पार्टी ना इस जगह इश या वीना इश इश रूफ इश वेले दी क्लाइडूम प्योर दी पार्टी इश I ask my friend. Ich sage mein friend that das I don't know. Okay, come for me. मतलब लेकर आऊँ कि नहीं आऊँ, मतलब खाना पीना लेकर आना है साथ में। Okay, वो बता देती हो पहले ही, ठीक है? हाँ। Yeah, good kinu. So, besides jargon, according to me, this is important. You update your friend whether you are coming or not. So, was machen ji, wenn ji schwer party eingeladen sind? What you do when you are invited in a party? So, ab shuru mein call. So, first, hum log time bhi poochte hain na, sir. Ich rufe mein Freund und sage, das komme ich für die Party. Also, ich sage, die Uhr seid. We often bhi bata sakte hain. Oft भी बता सकते हैं, वी ऑफ्ट। सो अच्छा, वी आर माखन ऑफ पार्टीज मिंडेस्टन स्वाइमाल इमोनाट फायर इन वी आर पार्टी मंशमाल अम वोखन एंड है। सो इश फायर है गेरने पार्टीज उन वेन इश आइन गिलाडन बिन जागे इश बिसाइड ओ बिश कोमे ओडर निश्ट उन्ट इश वेले इमर द बेस्ट क्लाइडू आउस und oft nehme ich etwas zum Essen und Trinken mit. Ich mache immer Salat, normalerweise. Wenn ich etwas mitnehme, Fruchtsalat,
ist mein Lieblingssalat. Meinen Freunden gefällt das. Manchmal nehme ich auch etwas zum Trinken. Aber normalerweise Cola oder Apfelsaft. Und ich mag viele Fotos. Sehr gerne. Ich mag Fotos. Manchmal 20 oder 40 Fotos von einer Party. Ich will die schönen Momente ja immer dabei haben. Und dann teile ich auch Fotos mit meinen Freunden. Sie sind sehr froh darüber. They are so happy about the photos. So, ein nach dem anderen sagen sie. So, zum Beispiel 1. Second. Kleidung. 2, 3, 4. Und etwas allgemein können Sie auch von hier. Ist man se bhi pehle kuch na kuch to bolna chahiye bhumika ke taur pe. Wir machen Partys sehr gerne. Mindestens einmal im Monat. Manchmal zweimal. Und wenn alle frei haben, dann am jeden Wochenende. Das macht Spaß. Den Point 1. Ich sage immer Bescheid, wenn ich eingeladen bin, ob ich komme oder nicht. Ese karke, ich trage Jeans und T-Shirt, ese bhi keh sakte ho. Aber ich suche the best Kleidung. Ich muss gut aussehen. Ja, da kann man ja gute Freunde machen. Das ist mir wichtig. Sir, agar aisa bolna hai ki I choose the clothes according to the party. So, knock their party. Knock there. Knock का मतलब after भी होता है, knock का मतलब according भी होता है. According to. Yeah. Klar. So, इस जुक है, the best Kleidung. इस gebe viel Geld aus für die Kleidung, besonders für party Kleidung. So kann man auch sagen. जो अपने को समझ में आ जाए वही अपन को हर किसी का आंसर दिमाग में आना चाहिए. मीनिंग नहीं समझ में आए तो डिसाइड गिवन इस्टिश ऐसे करके आगे बढ़ जाओ. अगर ढंग से समझ में नहीं आया हो तो ठीक है, कई बार ऐसे होता है. इस्टिश बताना तो जरूरी है भाई. अब सो दिस इज पार्ट टू, इसको फिर लेंगे हम लोग. बट एक बार आपको पार्ट टू के बारे में बताना था. That's it, Alice.